या अल्लाह, अब क्या करूं? कहीं इन्होंने आईवीएफ की फाइल मेरे हाथ में देख ली तो गजब हो जाएगा। गजल, गजल, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? गजल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो तुम? गजल, ये चोरी कर रही हो ना तुम? बेशरम बदसात लड़की, ये नाम बाज नहीं आती है। गजल, ये क्या कर रही थी तुम? घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा हैदर, इसके लिए तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। क्यों री? यहाँ आकर छानबीन करेगा तेरा क्या मकसद है गजल? खैर करे, दुआ के कमरे में क्या ढूंढ रही थी तू? क्या ढूंढ रही थी बता, बता। अब देखना, अब तेरा सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। रुक तू। ये गुल्लू पूरा खेल खराब कर देगी। इन लोगों का ध्यान भटकाना पड़ेगा, वरना इन्हें शक हो जाएगा कि मैं यहाँ पेपर्स चुराने आई थी। अरे क्या कर रही है तू? जानना चाहती हो ना? जानना चाहती हो कि मैंने दुआ के कपड़े क्यों फेंके और मैं क्या कर रही हूँ इस कमरे में? पूछो। अरे पूछो गुलनाज बेगम, क्यों हूँ मैं यहाँ पर? क्यों कर रही हूँ ये सब? क्यों है तो यहाँ पे? क्योंकि ये मेरा कमरा है। इस कमरे पर मेरा हक है और दुआ का नहीं, इसीलिए मैं दुआ के कपड़े यहाँ से बाहर फेंक रही और दुआ को इस कमरे से बाहर फेंक दूंगी, समझी? खुदा खैर करे, ये है लो, इसकी तो अब तक समझ में नहीं आया कि इसका कुछ है या नहीं। अरे ओ बेगैरत, हैदर के दिल पे, हैदर के घर पे सिर्फ और सिर्फ दुआ का हक है। क्यों तू जबरदस्ती हैदर के दिल में घुसने के चक्कर में हमारी जिंदगी अजाब कर रही है बेवकूफ? क्यों? यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब मेरा है, समझी तुम? रियो जबान संभाल अपना, वरना मैं तो रुहान की अम्मी। रुक जाइए, कोई फायदा नहीं है इसके मुंह लगने का, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये क्या कर रही थी। ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि इसके पास और कोई काम तो है नहीं हमें परेशान करने के सिवा, तो इसीलिए बेचारी वही कर रही है। और क्या, तुम मेरी अलमारी की सफाई कर रही थी ना? तुम्हें सफाई करने का इतना ही शौक है तो हॉल तुम्हारा तवज्जो में मुंतजर है। नीचे चलो और वहां पे झाड़ू मारो। और तुम्हें तो तारीफों का भी बड़ा शौक है। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने हॉल में झाड़ू मारा, तुमने हॉल में पोछा मारा, फिर देखना सब तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे, ठीक है? अब यहां से निकलो। बहुत हो गई मोहब्बत की बातें, मैंने कहा निकलो यहां से। चुप, निकलोगी तुम यहां से। मैं इस घर की बहू, हैदर ने मुझसे निकाह किया है, तुमसे ज्यादा मकाम है मेरा, वरना हैदर तुम्हारे बाद मुझसे निकाह नहीं करते। इसीलिए निकलोगी तुम इस घर से और तुम्हारा सामान मैं नहीं, समझी तुम?